ये लो, लो इसे। ये क्या है? कौसर, ये जड़ी बूटी वाला पानी है, इसे एकदम फ्रेश पीना। पर डॉक्टर साहब, पिछली बार इसका जिक्र तो नहीं किया था। जिक्र करता तो भी क्या समझती तुम? कौसर, इस दवाई का रिएक्शन देखना बहुत जरूरी है, यही तय करेगा कि तुम्हारा इलाज हो भी सकता है या नहीं। समझी नहीं डॉक्टर साहब। कौसर, इस दवाई को पीने के बाद अगर नींद सी आए, इसका मतलब तुम्हारा बदन मेरी दवाई झेल पाएगा, इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर इस दवाई का कोई असर नहीं हुआ तुम्हारा, तो मुझसे तुम्हारा इलाज नहीं होगा। कौसर अंसारी क्लिनिक में ट्रीटमेंट के लिए आई थी, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। कौसर और उसका पति शाहिद अपनी शादी के 4 सालों में हर मुमकिन तरीके से एक मर्ज का इलाज ढूंढ रहे थे। एक ऐसा मर्ज जो सिर्फ एक औरत या मर्द को नहीं, बल्कि उस जोड़े को और उसके परिवार वालों को उलझन के दलदल में धकेलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेऔलादी की। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों और शायद दोनों बच्चा चाहते थे, पर 4 सालों से खुशखबरी नहीं आ रही थी। उन्होंने कई डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था, दवा की, दुआ की, हर किसी की सलाह ली। किसी भी नए डॉक्टर या इलाज की खबर मिलते ही दोनों दौड़े दौड़े उस क्लिनिक के दरवाजे पर उम्मीद की दस्तक देने पहुंच जाते। कौसर दूसरे बच्चों को खेलते देख अपने बच्चे के सपने देखती, और सपना टूटते ही हकीकत की मायूसी उसे निचोड़ कर रख देती। सोच रहा हूं बच्चा गोद ले लूं। देखो बेटा, हम लोग बच्चा गोद लेने के खिलाफ नहीं है। तुम दोनों के निकाह को सिर्फ 4 साल ही तो हुए हैं। तेरे अब्बू ठीक ही कह रहे हैं शाहिद, थोड़ा सब्र करो और दवा लो। हम लोग दुआएं तो कर रहे हैं ना तेरे लिए। हमने कितनी तो दवाएं की, कितनी चादरें चढ़ाई, कितनी मन्नतें मांगी। 4 साल ज्यादा समय नहीं होता है, ये जमाना ही कुछ ऐसा है। 6 महीने और निकल गए, पर कोई दवा या दुआ काम नहीं कर रही थी। और फिर कौसर मिली डॉक्टर मुश्ताक मसूद से। कौसर जल्दी पी लो इसे, उम्मीद करता हूं इस दवाई का असर तुम पर हो, तुम्हें नींद आए ताकि मैं अपना इलाज शुरू कर सकूं, और बहुत जल्द तुम एक प्यारे से बच्चे की अम्मी बच जाओ, वो भी खुद की कोक से चला। मुश्ताक मसूद का ये इलाज करने का कौन सा तरीका था जिससे कौसर बिल्कुल अनजान थी, लेकिन इस हकीम ने वादा किया था कि उसके पास बेऔलादी का गारंटीड इलाज है। बस कौसर को इसके आगे और कुछ नहीं सुनना था, और वो सीधे डॉक्टर मुश्ताक मसूद के क्लिनिक में पहुंच गई। कौसर को डॉक्टर के इरादों पर शक करने का कोई कारण नजर नहीं आया था जब वो 1 हफ्ता पहले मुश्ताक से मिली थी। 15। सलाम अलैकुम जावेद। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम फातिमा भी। ये इसकी सिलाई खुल गई, जरा चुन्नट डाल दो ना। हाँ भी डाल देती हूँ। शाहिद भाई कैसे हैं? है, बस कट रही। सुना है पीर बाबा की दरगाह पे गए थे आप लोग? जी जावेद भाई, वो शाहिद की दुकान का एक कारीगर बोला कि मन्नत मांगो करके, बड़ी बरकत है बाबा की, तो हम गए दिल से दुआ की। वाकई पीर बाबा की रहमत में बड़ी बरकत है, इंशाल्लाह तुम्हारा घर जरूर आबाद होगा। जावेद भाई, हाँ, ये कितने सालों से कोशिश कर रहे हो औलाद के लिए? 4 साल हो गए हैं शादी होके। 4 साल? मोहतरमा, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आपने कभी यूनानी दवा आजमाई है? जी जी, मेरा मतलब है आपका जो मर्ज है बेऔलादी, उसके लिए आप कभी किसी यूनानी डॉक्टर से मिली हैं? जी मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा नाम मुश्ताक मसूद है। मेरी यूनानी दवाओं से कई बेऔलाद जोड़ों को मदद मिली है, और एक बार भी मेरा इलाज खाली नहीं गया। मेरा क्लिनिक यहीं के पास है, 23 घंटे की तरह। जी
मैं अपने शौहर से बात करती, मैं उन्हीं के साथ आऊँगी आपके दवाखाने। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है 99% केसेस में मसला औरतों में ही होता है, लेकिन आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके बिना कुछ कहे मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, सब कुछ समझ रहा हूँ। यूँ समझिए ऊपर वाले ने हमें मिलाया, उस पर भरोसा कीजिए। मेरे क्लिनिक आइए, पर अकेले, ये इलाज सिर्फ आपके लिए। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए, फिर बस शाहिद मियाँ को सेवैयाँ खिला देना। आप मेरा नंबर लीजिए, किसी भी दिन 2:30 मुझे कॉल कर मेरे क्लिनिक पर आ जाइए, मैं वहीं पर। ठीक है, पर अकेले मत जाना, सलमा आपा को साथ ले जाना। मैं आपा से पूछ तो लूंगी, लेकिन दोपहर को अगर वो ना आ पाई तो मैं अकेली जाऊं? ठीक है, हो आओ, देख लो क्या इलाज है, किस किस्म की दवा है, क्या पता खुदा की मर्जी होगी कि इन्हीं डॉक्टर के हाथों हमारे मर्ज का इलाज हो, तभी तो मिलवाया उन्हें तुमसे। डॉक्टर साहब भी यही कह रहे थे। हो आओ एक बार। अरे कौसर, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आओ आओ अंदर आओ। आजा। वैसे कंपाउंडर है मेरा, लेकिन दोपहर में उसका ऑफ होता है, आओ बैठो। वो शाम को आता है जब नए पेशेंट्स आते हैं। इस टाइम मैं कुछ खास पेशेंट देखता हूँ, जैसे कि तुम। कुछ रिपोर्ट्स लाई हो अपने साथ? जी डॉक्टर साहब। कौशल, मुझे तुम्हारी रिपोर्ट्स अच्छे से स्टडी करनी होगी। तुमने पहले कौन कौन से इलाज कराए, सब कुछ। लेट जाओ। कौसर, इलाज कल से शुरू होगा। मैं आज ही तुम्हारे लिए कुछ खास जड़ी बूटियाँ मंगवा लेता हूँ। हिमालय के पहाड़ों में उगती है, बहुत कीमती है। कितनी कीमती है डॉक्टर साहब? यही कोई 15,000। 15,000? मेरी फीस बहुत कम है, लेकिन मैं दवाइयों में कभी कटौती नहीं करता। महंगी दवाइयाँ इसलिए महंगी है क्योंकि वो अच्छा काम करती है। डॉक्टर साहब, हमारी इतनी औकात नहीं है, मेरा शौहर मिस्त्री है, 15,000 बहुत ज़्यादा है। कौसर, उन जड़ी बूटियों की कीमत लगभग 25,000 है, लेकिन वहाँ से यहाँ लाकर बेचने वाला आदमी मेरा करीबी दोस्त है, उससे बात करके मैं 15,000 करा सकता हूँ। देखो कौसर, अरमान बच्चे का है जो नायाब खुशी देगा तुम्हें भी और तुम्हारे शाहिद मियाँ को। हिम्मत करके आगे की सोचो, अपने बच्चे के बारे में सोचो। सोचना क्या है? हाँ बोल दो। कौसर, 15,000 ज्यादा तो है पर नामुमकिन नहीं है। मैं अपने सेठ से बात करके कुछ उधार ले लूंगा और 2-4 नए काम पकड़ लूंगा। कौसर, दिल से कहता हूं, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। चलो आ जा। क्या हुआ, सिर भारी लग रहा है? जरा सा। कौशल, एक आध चक्कर भी आएगा, डरो नहीं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। ले जाओ।
दवा तुम पर बहुत बढ़िया काम कर रही है। बहुत जल्द तुम्हारी सबसे बड़ी तमन्ना पूरी होगी। कल 2:30 बजे हमारी दूसरी सिटिंग होगी, कुल 6 सिटिंग्स होगी। उसके बाद इंशाल्लाह खुशखबरी होगी। बताओगी भी क्या इलाज किया डॉक्टर मुश्ताक मसूद ने? और 5 दफा आने को बोला। ऐसा क्या इलाज होता है वहाँ? पहले दवाई देते हैं, फिर इंतजार करते हैं, देखते हैं दवाई का क्या असर हो रहा है, वो भी रहा है या नहीं, फिर नब्ज देखते हैं, ऐसे ही करते हैं इलाज। ये हल्का सा दर्द इशारा होता है कि जड़ी बूटी का असर शुरू हो चुका है। अच्छी खबर का पैगाम ला रहा है ये दर्द। ये लो पी लो इसे। आ जाओ ले जाओ, यहाँ सिर भारी हो रहा है, होने दो, चक्कर आ रहा है आने दो, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ। कौशर को दर्द तो हो रहा था, वो अपने बदन में हो रहे बदलाव को महसूस भी कर रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार हो क्या रहा है। और ये सिलसिला और 2 सिटिंग्स तक चला। दो और सिटिंग्स निकल गई। जब कौशर ने सवाल किया तब कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही तकलीफ दे था, जिसने उसे डरा दिया, हिला दिया। Thank you.
तुम अभी तक आई नहीं सिटिंग के लिए? मैं नहीं आएगी डॉक्टर साहब। नहीं आओगी मतलब? अरे आज आखिरी सिटिंग है, चलो जल्दी से पहुँचो। डॉक्टर साहब जब पहली दफा आपके दवाखाने आई थी तब मेरे पेट और वहाँ दर्द हो रहा था। कौसर वो सबको होता है, डरने वाली बात नहीं है। और कल जब आपके दवाखाने से आई थी तब वहाँ से खून निकल रहा था डॉक्टर साहब, जड़ी बूटियों से वहाँ चोटें कैसे आ सकती है? कौसर ये भी होता है, जिसे तुम चोट समझ रही हो वो चोट नहीं है। तुम एक काम करो, यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, इस तरह का इलाज करवाना कुछ ठीक नहीं लगता। कौसर तुम्हें ठीक लगेगा, क्योंकि तुम ठीक हो रही हो। तुम्हारी रिपोर्ट्स अभी अभी आई है, मेरे सामने रखी हुई। क्या लिखा रिपोर्ट में? खुद ही आकर देख लो, तुम जल्दी से आ जाओ बस। सर आगे तो आओ, अंदर आओ। मेरे को रिपोर्ट दिखाइए। ये लो पी लो इसे, आज आखिरी सिटिंग है। जी नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरे को बस रिपोर्ट दिखाइए। ये कौसर इतनी परेशान क्यों हो रही हो तुम? पहले पी लो इसे, फिर दिखाता हूँ मैं। डॉक्टर साहब आपने कहा था कि रिपोर्ट अच्छी आई है करके, मेरे को बस वो देखने का है। ठीक है दिखाता हूँ। रिपोर्ट मोबाइल में है? हाँ, पिछले 5 सिटिंग की रिपोर्ट इसी में है, दिखाता हूँ। ये रही पहली सिटिंग की रिपोर्ट। अच्छी है ना? हाँ? अब दूसरी सिटिंग की दिखाता हूँ। वही होगा जो हमेशा होता है, तुम चीखोगी चिल्लाओगी, मुझ पर इल्जाम लगाओगी कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया, खिलवाड़ किया है तुम्हारे साथ वगैरह वगैरह। फिर तुम पूछोगी इस ग्लास में क्या मिला है? कौसर जान, इस ग्लास में कोई कीमती जड़ी बूटी नहीं, बल्कि बेहोशी की गोली मिला है। क्यों? चाहत में क्यों नहीं होता, तुमने पहली नजर में मेरे खून में आग लगा दी। पूछ रही हूँ क्यों? पहली नजर में ही तुम्हारे हुस्न के कब्जे में आ गया मैं, और तुम मेरी बातों में आ गई। शैतान को शर्मिंदा करेगा तू, इतना गिरा हुआ आदमी है। कौसर जान मैं क्या हूँ क्या नहीं, सोचना कहना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कब करूंगा और कहाँ करूंगा, ये मेरी मर्जी। अरे अच्छा किया तुमने ये बखेड़ा खड़ा कर दिया, अब इस जड़ी बूटी का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम भी लुप्त उठाओगे हमारी हम बिस्तर। अब न सर दर्द होगा न ही चक्कर आएंगे। आ जाओ लेट जाओ, मैं पुलिस के पास जाएगी, सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि तू कितना कमीना इंसान है। कौसर में उतना बड़ा कमीना भी नहीं, ये सारी रिपोर्ट्स तुम्हारे प्यारे से शौहर शाहिद मियां के सामने पेश करो। उतना बड़ा भी कमीना नहीं कि ये वीडियोस की कॉपी बनाकर तुम्हारे ससुराल में मायके में मोहल्ले में पूरी दुनिया में बांट दूं। क्या करोगे? पुलिस के पास जाओगी, उनसे कहोगी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, पुलिस वाले मुझे बुलाएंगे, मुझसे पूछेंगे ऐसा ऐसा हुआ है भाई, मैं कहूँगा जनाब हम बिस्तरी जरूर, और उस तरह से नहीं जिस तरह से मोहतरमा कह रही है, बल्कि इस तरह से, और वहीं की वहीं 5 वीडियोस दिखा दो। यकीन मानो वहां जितने भी मर्द होंगे ना सब दौड़े चले आएंगे, आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे, और क्या देखेंगे कि तुम पूरे जज्बात में लेटी होगी,
और डॉक्टर मुश्ताक मसूद तुम्हारे कपड़े उतार रहे हैं, लेकिन तुम चू तक नहीं करती। इस वीडियो में साउंड भी रिकॉर्ड है, तुम बस लुत्फ उठा रही हो। फिर हम दोनों अपनी मर्जी से एक हो जाते हैं। पुलिस वाले ये सब कुछ देख कर शिकायत वहीं की वहीं रफा दफा करते। मैं तुम्हारी बात सुनी, मिशोर को समझाया, सोचा तुम डॉक्टर हो, मेरा इलाज करोगे, मेरा दर्द दूर करो। ये हालत कर दी मेरी। अरे कौसर जान, अपने शोहर की हालत के बारे में सोचो, वो कैसे देख पाएगा अपनी जोरू के बेशर्मी की। वो खून पी जाएगा तुम्हारा। किस मुंह से पिएगा? हाँ, वो खुद शर्म और जिल्लत के आंसू पीते पीते उसी में डूब जाएगा बेचारा। वो थोड़ी ना इस वीडियो को झूठ मानेगा, वो भी पुलिस की तरह समझ जाएगा कि जो कुछ भी हुआ है ना वो तुम्हारी मर्जी से हुआ है। अब मैं जब जब तुम्हें बुलाऊंगा तब तब तुम आओगी। आवाज आई गई हो तो इलाज भी कर ही लेता हूँ तुम्हारा। आज की सिटिंग कुछ अलग तरह की होगी। अब तुम्हारे और मेरे बीच इस झूठी जड़ी बूटी का क्या काम। कौसर अंसारी पर ऐसा भयानक कहर टूटा था कि वो डर और दर्द के सैलाब में डूबने लगी और उसका गुनहगार मुश्ताक मसूद बेरहमी से उस पर जुल्म पे जुल्म किए जा रहा था। कौसर मेरी तलब ना नहीं सुन सकती, चल अब जल्दी निकल घर से और आ जा मेरे पास। जहन्नम में जा, मैं नहीं आएगी। एक बटन दबाकर तुझे जहन्नम पहुंचा सकता हूं। अगर मैंने वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया तो इस दुनिया के हर कोने में बैठा शौकी हमारी लव स्टोरी देखेगा। ये इलाज चल रहा था तुम्हारा डॉक्टर मुश्ताक मसूद के यहाँ, इसीलिए मेरे को अपने साथ नहीं ले जाती थी ना तुम? नहीं शायद, ये झूठ है, ये झूठ है। तू चाहे कितनी भी दलीलें दे पर क्या शायद तेरी बात मानेगा? अरे नहीं मानेगा। इसलिए मेरी बात मान, अब भी के अब्बे निकल घर से। 30 मिनट दे रहा हूँ तुझे, 31वें मिनट में मेरे फोन का बटन दब जाए। शायद का नंबर तो है मेरे पास, समझ गए, चल निकल जल्दी। सुन ले, आइंदा से ये सब नाटक नहीं चलेंगे मेरे साथ। तुम मेरे साथ जो करना था कर दिया, बख्श तो मेरी जिंदगी को, बख्श तो। अरे मेरी जान, यहाँ मेरी जान निकल रही है और तू बख्शने की बात कर रही है? हाँ चलो मासू पूछो, पूछो मासू, पल भर के लिए मुझसे प्यार कर लो। अरे झूठा ही सही।
फोन नहीं उठाया मेरा? आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। चल दफा हो जाओ यहां से, अंदर मत आओ। अरे अंदर तो मैं आ चुका हूँ, बहुत ज्यादा अंदर आ चुका हूँ। चल तुम्हें खुदा का वास्ता, यहाँ नहीं। अरे यहाँ नहीं तो फिर कहाँ? मैंने तो एक शरीफ आदमी की तरह तुम्हें बुलाया था क्लिनिक पर, फोन भी किया पर तुम ही नहीं आई। फिर तुम्हें शरारत सूझी और तुम मुझे यहाँ खींच लाई। चलो आ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, आ जाओ। देखो कल हम कहीं बाहर मिलेंगे, क्लिनिक पे काम चल रहा है। मेरे को इस सब से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। एक बार, सिर्फ एक बार पूरे दिल से मजे ले लो मेरे साथ, उसके बाद मुझे तुम्हें फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर तो फोन तुम ही करोगी, देख लेना। अस्सलामुअलैकुम अभिजान। वालेकुम अस्सलाम अशफाक भाई, क्या बात है? वो कोई डॉक्टर मसूद, मुश्ताक मसूद हैं। क्या 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 बोले वो? कुछ नहीं, वो बस हमारी चाल के नाके पे मिले, बोल रहे थे आपको फोन लगा रहे काफी देर से, पर आप उठा नहीं रही हैं। तो मुझे कौसर ने मुश्ताक से ना मिलने की जितनी भी कोशिशें की, मुश्ताक उतनी ही मजबूती से उस पर दबाव डालता। वो बड़ी चालाकी से पड़ोसियों और चौल के लोगों को भेजकर उसका पर्दाफाश करने की छुपी हुई धमकियां देता। मुश्ताक अब कौसर को अलग अलग होटल रूम्स में ले जाता और कौसर मजबूर, लाचार और पूरी तरह से डरी हुई मुश्ताक की मांगों को पूरा करती और उसकी उंगलियों पर नाचती। पर एक दिन वही हुआ जिसका डर कौसर को हर रात जगाता और दिन में रुलाता। सर, कई दिनों से बल्कि कई महीनों से तुम इस डॉक्टर मुश्ताक के यहां जा रही हो और तुम्हारा इलाज चल ही रहा है। ऐसा क्या इलाज चल रहा है वहां कौसर? तुम उससे कुछ छुपा रही हो कौसर। तुम मायूस रहती थी, उदास रहती थी, मुझे लगता था हमारी जिंदगी में औलाद ना होने का नतीजा है, पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता कौसर। कुछ तो है जो तुम्हें जीते जी मार रहा है। मुझसे नजरें चुराओगी कौसर? बताओ कौसर, बोलो कौसर। शायद वो मुश्ताक मसूद। हाँ, इलाज नहीं करता। पर तुम जा तो रही हो उसके दवा खाने। सर शायद वो मुश्ताक मसूद है ना? हाँ। वो मेरे को परेशान करता है। परेशान करता है? बेअर्से से। मेरे को बताया क्यों नहीं तुमने? मैं डरी हुई थी शायद। किस बात का डर कौसर? कौसर अपने साथ हुए हादसे के बारे में सब कुछ बताना चाहती थी, पर पूरा सच इतना भयंकर था कि वो उसे अपनी जुबान पर ला ही नहीं पाई। कौसर बताओगी भी क्या परेशानी है? वो गंदी बातें करता है, वो बिस्तरी वाली बद्दी सी, मेरे को बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है शायद, बहुत ही ज्यादा।
मुश्ताक मसूद का है। आप कौन? शाहिद अंसारी, कौसर अंसारी का शौहर। आयशा तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। क्यों बे? अपनी बीवी से नहीं करता गंदी बातें जो मेरी बीवी से करने की जरूरत रखता है। शायद तुम चाहते क्या हो? मेरी बीवी से दूर रहना मुश्ताक, अगर दोबारा उसके साथ बदतमीजी की काट डालूंगा तुझे। अबे जा, धमकी किसी और को देना, तू जानता नहीं है मुझे, मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। हां, तू एक डॉक्टर है जिसके दवा खाने में लोग इलाज कराने चाहते हैं, इज्जत करते हैं डॉक्टर की, और तू उस इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है। दूर रहना मेरी बीवी से, समझा? वरना तेरी पुलिस में जाके शिकायत करूंगा। अबे जो करना है कर, लेकिन एक बात समझ ले, छुरी तरबूज पर गिरी है, तरबूज छुरी पर, कट्टा तो तरबूज है। तुझे लेने के देने ना पड़े ना, तो मेरा नाम भी मुश्ताक मसूद। चल निकल यहाँ से, निकल, और आइंदा से आना नहीं यहाँ। शाहिद, एक डॉक्टर होकर इतनी गंदी सोच, कौसर ते को उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था। वो तो तुम इतनी मायूस रहती थी, इसलिए मैंने ते को अकेले वहां भेजने की गलती की। लेकिन जब वो बदसलूकी पर उतर आया, तब तो ते को वहां जाना छोड़ देना चाहिए था ना। कैसे बताऊं इन्हें कि मैं किस दलदल में फंस गई? जब तक मेरे को पता चलता कि मैं फंस गई हूं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कौसर, हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हम लोग आम इंसान हैं, मेहनत की खाते। अगर खुदा की मर्जी होगी तो इंशाल्लाह हमारे यहाँ भी औलाद होगी। हम कोशिश करते रहेंगे, पर जिंदगी को रोकेंगे नहीं, जीना छोड़ेंगे नहीं। हम लोग बच्चा गोद ले लेंगे, पर अब उस डॉक्टर वाले मसले को यहीं पर भुला दो। अब ना तो कोई इलाज होगा और ना ही तुम कहीं जलील होगी। इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकता है कौसर जान? तेरा शोहर आकर हल्का सा शोर मचाए, सहमी सी धमकी दे, और तुझे मुझसे अलग कर दे। नहीं 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 नहीं, मैं कभी नहीं आएगी। मैं जानता हूँ कि तूने अपने पति को पूरा सच नहीं बताया जो मेरे फोन में कह दे। तुमने बस यही बताया कि मैं तुम्हारे साथ बातों वाली बदतमीजी करता हूँ। उसे क्या पता किस किस्म की बदतमीजियां कर चुका हूँ मैं तुम्हारे साथ। अरे कौसर जान, तुम शुक्र मनाओ जो मैंने वीडियो नहीं दिखाया तुम्हारे शोहर का, वरना ये छोटी मोटी छेड़छाड़ गंदी बातों की शिकायत लेकर आया तुम्हारा शोहर। किस हालत में देखता मुझे तुम्हारे साथ उस वीडियो में? हाँ, अरे या तो वो खुद मर जाता, या आकर तुम्हारी जान ले लेता, फिर शायद ट्रेन के नीचे आ जाता। नहीं, हमेशा की तरह 30 मिनट है तुम्हारे पास, एक सेकंड भी लेट हुआ तो सीधा वीडियो जाएगा 3440272। ये नंबर तो जाना पहचाना लग रहा है, किसी शायद अंसारी का। शायद, शायद क्या बात है, बहुत गुस्सा निकाल रहा है? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई कुछ नहीं कहता है ना, तो हकीकत में बहुत कुछ कहना चाहता है ना? देख, अगर तू मुझे नहीं बताना चाहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्त होने के नाते सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जहाँ मसला है वहीं हल है। शायद उसका दोबारा फोन आया था, फिर वही बात, फिर वही बदतमीजी। ये हरामजादा ऐसे नहीं सुधरेगा, अभी के अभी इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करता हूं।
साहब मैं शाहिद अंसारी, मैं और मेरी बीवी कौशल पिछले 4 साल से औलाद के लिए कोशिश कर रहे हैं साहब, एक से एक डॉक्टर को दिखा रहे हैं। इसके पास कब से जा रहे हो? 4 महीने पहले पहली बार मेरी बीवी कौशल उस डॉक्टर मुश्ताक मसूद के पास गई थी इलाज के लिए साहब, दही सर चेक नाके पे, तब से उसकी वाहियात हरकतें शुरू हैं साहब। डॉक्टर मुश्ताक मसूद दही सर चेक नाके के पास? हाँ साहब, वो अल्ताफ चाल में हाईवे से लगकर ही है। गायकवाड़, कल एक कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी मुश्ताक मसूद ने की थी। हुई सर। कंप्लेंट कॉपी घेऊन या। ये क्या साहब? मुश्ताक मसूद ने तेरे खिलाफ कंप्लेंट की है, एनसी दर्ज की है। शाहिद अंसारी, तूने अपना नाम बोला ना, मेरे को तभी याद आ गया। मुश्ताक मसूद अल्ताफ चौल, मैं तुझे काट डालूंगा। ऐसा बोला तूने मुश्ताक मसूद को? साहब मैं तो उसको बोलने गया था कि मेरी बीवी को परेशान ना करे साहब। तूने उसे धमकी दी कि तुझे काट डालेगा और साथ में 1 लाख रुपए भी मांगे। क्यों? 1 लाख मांगे? हाँ, और तूने उसे धमकी दी कि अगर वो तुझे पैसा नहीं देगा तो तू उसके खिलाफ केस ठोकेगा सेक्सुअल हैरेसमेंट का। उसने तो ये भी कहा कि तेरी बीवी भी शामिल है इसमें तेरे साथ। साहब वो एकदम झूठ बोल रहा है साहब कि मैंने उसे 1 लाख रुपए मांगे। हाँ साहब, मेरे मुंह से गुस्से में निकल जरूर गया था कि मैं उसे काट डालूंगा, लेकिन उसके पहले ये भी तो बोला था साहब कि अगर उसने मेरी बीवी को परेशान किया तो मैं उसको काट डालूंगा साहब। देख, एनसी उसने पहले दर्ज की है। साहब उससे बहुत पहले से वो मेरी बीवी को परेशान कर रहा है। तेरी बीवी का मामला, इसलिए तेरी एनसी दर्ज कर रहा हूँ। अगर झूठ निकला ना तो तोड़ दूंगा। बैकवर्ड। क्या हुआ शाहिद? उस मुश्ताक ने पहले ही मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की है कि मैंने उसे जान से मारने की धमकी दी और 1 लाख रुपए मांगे। शिकायत में लिखा है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ उससे पैसे ऐंठने के लिए, और मैंने उसे धमकी दी है कि अगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस से कहूँगा वो तुम्हारे साथ बदतमीजियाँ करता है, तुम्हें परेशान करता है। पर वो करता है, पिछले 4 महीने से कर रहा। तो अब कुछ नहीं कौसर, पुलिस ने हमारी शिकायत तो दर्ज कर ली है लेकिन अब आगे कुछ होगा नहीं। इसे कुछ वो क्रॉस एनसी कहते हैं। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? यहाँ फोन मत करो। एक और रिंग जाती ना और तू फोन नहीं उठाती तो उठवा लेता तुझे। तुम आदमी हो या क्या हो? शर्म का एक कतरा नहीं है तुम्हारे अंदर? कौसर, तेरे और मेरे बीच ये शर्म जैसे लफ्ज अच्छे नहीं लगते। कितनी बेशर्मियां की हमने साथ, भूल गई? खुदा के लिए सब बंद करो, मेरा पीछा छोड़ दो। अब तो सवाल ही नहीं उठता। तूने अपने शौहर को उकसाकर मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन की। क्या सोचकर कंप्लेन? तू जानती है तूने झूठ बोला है। और एक बटन दबाकर मैं सब कुछ बदल सकता। जब पुलिस और तेरा शौहर ये वीडियो देखेंगे तो क्या होगा? कंप्लेन वही की वही कैंसिल हो जाएगी। पर क्या तेरे शौहर का गुस्सा कैंसिल होगा? कोई भी मर्द ये सह पाएगा। हाँ, ये बात अलग है, वो नामर्द भी हो सकता है। बकवास बंद कर बेशरम। अरे बेशरम से याद आया, आधे घंटे में 2:30 बजने वाले। हमारी बेशर्मी का टाइम हो जाएगा, दिल मत तोड़ना मेरा, वरना सब तोड़ दूंगा तेरा। समझ गई ना? चल निकल अब। मुश्ताक एक बहुत ही क्रूर खेल खेल रहा था और उसने बड़े घिनौने तरीके से एक मजबूर औरत का फायदा उठाया था। कौसर भी एक ऐसी उलझन के दलदल में धस गई थी कि वो अपने पति शाहिद को बता नहीं पा रही थी कि मुश्ताक वाकई में उसके साथ क्या कर रहा था। जबकि मुश्ताक दर्जनों बार कौसर के साथ बलात्कार कर चुका था, उसका वीडियो बना चुका था, पर कौसर ने अपने पति शाहिद को सिर्फ यही बताया था कि वो उसे छेड़ता है और अश्लील प्रस्ताव रखता है, और इस आधे सच का पूरा फायदा भी मुश्ताक ही उठा रहा था। मुश्ताक बहुत ही शातिर और चालाक खिलाड़ी था। उसने पहले से अनुमान लगा लिया था कि एक ना एक दिन या तो कौसर खुद बोल देगी या फिर शाहिद को शक हो जाएगा और मामला पुलिस तक पहुंच जाएगा। इसलिए उसने पहले से ही पुलिस में शाहिद के खिलाफ जान की धमकी देने और एक्सटॉर्शन की शिकायत दर्ज करा दी थी। इस सब से कौसर और घुटती जा रही थी और मुश्ताक उसे खुली सांस लेने ही नहीं दे रहा था।
एक गिद्ध की तरह नोच रहा था वो उसकी जिंदगी को, उसकी खुशियों को, उसकी गरिमा को। एक विकृत मर्द, एक बेबस नाउमीद शर्मिंदा औरत, ये केस अब किस तरफ रुख करने जा रहा था? कौसर और उसके पति शाहिद ने लड़ने की कोशिश तो की, लेकिन मुश्ताक लोमड़ी जैसा शातिर साबित हुआ। क्या कौसर और शाहिद इस निहायत ही घटिया आदमी से अपना पीछा छुड़वा पाएंगे? क्या इस गुनहगार को कड़ी सजा मिलेगी? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।